हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टडी क्विक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है टाइटल से भी पता लग गया होगा और आपको पता है अभी एस बी आई पी ओ प्रिलियम्स का लाइव टेस्ट चल रहा है तो उसको हम इन डिटेल यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बहुत अच्छा मोक है ये एक बार मैंने ये मोक दिया मुझे लगा इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वाक्य में आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएंगे और कुछ क्वेश्चन ईजी भी हैं तो हम देखेंगे किस तरीके से बनाना था हर एक चीज को इन डिटेल समझेंगे तो चलिए आ ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले बता दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है क्या आप सभी को साउंड कम आ रहा है क्या यस प्लीज कंफर्म करिएगा वॉइस क्लियर आ रही है क्या वॉइस स्लो आ रही है तो बताइए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वॉइस एक बार मैं चेक कर लेता वॉइस वॉइस तो सही आ रही है साउंड तो प्रॉपर है आप लोग अपने एंड से चेक करिए वहां से कोई प्रॉब्लम होगी यहां से तो वॉइस मैंने पूरी फुल खोल रखी है यस चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जल्दी से आंसर दीजिएगा देखो जो इजी क्वेश्चंस होंगे उसपे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा जो टफ होंगे उसमें टाइम दूंगा और बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी क्लास को हम कवर करने जा रहे हैं और कोशिश करूंगा आर भी कंप्लीट बता के जाऊँ ठीक है चलिए जल्दी से आंसर दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू हैप्पी होली फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू इस होली में आपकी जो भी नेगेटिव चीजें हैं या आप जहाँ पे भी वीक हैं वो सब खत्म हो जाए आप सभी सब्जेक्ट में अपनी सभी चीजों में आप स्ट्रांग हो और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े. और सारे एग्जाम जितने भी एग्जाम आने वाले हैं इस ईयर आप सभी को बहुत अच्छे से दें और सभी में आपका सिलेक्शन हो ठीक है तो होली की बेस्ट विशेष मेरी तरफ से आप सभी के साथ है और हम बहुत बढ़िया तरीके से इस साल में प्रिपरेशन करेंगे और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अब आपके सेशन रेगुलर होंगे ठीक है चलिए जल्दी से आंसर दीजिए क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं आपको पता है मैं सीधा टू दी पॉइंट आता हूँ क्लास स्टार्ट करता हूँ चलिए पहला क्वेश्चन है कोई बात नहीं मैं खुद एक बार एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसका जब तक और स्टूडेंट जुड़ जाएंगे लाइक कर दो शेयर कर दो देखो हर जगह स्टूडेंट और जुड़ने चाहिए जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे उतना ज्यादा मजा आता है क्वेश्चन के डिफिकल्ट लेवल का पता लगता है क्वेश्चन कौन सा डिफिकल्ट है कौन सा ईजी है चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा देखो मैं आपको सही आंसर क्या है वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वही ऑप्शन क्यों सही है आपको पता है हर एक चीज इन डिटेल मैं बताता हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है आ जाइए चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं देखो क्या बोला जा रहा है विथ दी एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर बोला जा रहा है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है टेक्नोलॉजी का आविष्कार होते जा रहा है जो कम्युनिकेशन है Has become more convenient. तो कम्युनिकेशन क्या हो गया और भी ज्यादा हो गया ठीक है और ज्यादा अच्छे से हम कम्युनिकेशन कर पा रहे अभी आप देख रहे हैं मोबाइल फोन आ गए वीडियो कॉलिंग हो गई ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे पास टेक्नोलॉजी में आती जा रही है तो हमारे लिए कम्युनिकेशन करना और ज्यादा कन्वीनियंट हो गया आगे बढ़ते हैं बट इट हैज ऑल्सो अब यहाँ पर आपने देखा बट लगा हुआ है तो जब आप देख पा रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर अगर बट लगा के आप लिखते हैं

एंड साइबर सिक्योरिटी ओन आर ग्लोबल स्के बहुत सही बात है आपने देखा पहले पॉजिटिव बात कर ली भाई टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है यहाँ पे नेगेटिव बात कर ली इसके कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल रहे हैं प्राइवेसी के अंदर साइबर सिक्योरिटी के अंदर इज इट क्लियर टू एवरी वन ठीक है बहुत ईजी सास था अब एक्चुअल में हम देखते हैं एरर क्या है मतलब क्या ये सही है गलत है कैसे पता चलेगा पहले सबसे पहले आपका फर्ज क्या बनता है कि यार अगर ये हैज लगा हुआ है तो आपको पता है सभी को हैज सिंगुलर होता है, है ना और अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑप्शन में हैप भी लगा हुआ है तो हैल होता है और फिर आप देख पा रहे हो हैड भी लगा हुआ है मतलब ये सारी चीजें आपको एक नजर में दिख रही है कि ये सारी चीजें हमारे को मिल रही है अगर मैं हैज लगा रहा हूँ सिंगुलर तो मतलब है तो आपने देखा है से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है with मतलब प्रिपोजिशन के बाद ये जो भी लिखा हुआ है ये सब क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक्चुअल में जो आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट है वो कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है ये यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज ही आएगा Have का तो कोई यहाँ पर सेंस या फिर आप कह सकते हैं have का तो हो है जाएंगे तो आपको रीड करने की या तो फिर ट्राई बच जाता है तो ट्राई आएगा नहीं क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है कम्युनिकेशन सिंगुलर सब्जेक्ट है अगर ट्राई जाता तब फिर भी हम आगे पढ़ते रीड करते फिर देखते क्योंकि जिस वर्ब के अंदर जैसे ट्राई यहाँ पे प्लुरल वर्ब है जिस वर्ब के अंदर जिसके अंदर लास्ट में एस आई एस होता है उसी वर्ब को हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं ठीक है इसलिए यहाँ पे ट्राई प्लुरल वर्ब है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है डी भी नहीं आएगा अब आपके सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन बच जाते हैं और सभी स्टूडेंट इन्हीं दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं या तो बी आना चाहिए या तो ये आना चाहिए अगर आप बी लगाने जा रहे हो तो बी में एस एस पर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मतलब एस पर ये जो इतना सा लिखा हुआ है ना इसमें कोई एरर नहीं है लेकिन आपको ये भी तो देखना है तो यहाँ दिक्कत तो नहीं कर देगा तो अगर आप इसको यहाँ लगा देंगे तो ये बहुत बड़ी दिक्कत कर देगा क्यों बहुत बड़ी दिक्कत क्यों कर देगा क्योंकि पे हैड लिखा हुआ है 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 और और आपको पता टेंस होता आप देख पा रहे हैं पर बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है वैसे जैसे कंसर्न भी बढ़ते जा रहे हैं तो बात तो भाई प्रेजेंट में चल रही है ना एक नॉर्मल कोई फैक्ट की बात हो रही है नॉर्मल फैक्ट के बारे में बात करने है। ऐसा थोड़ी ना है कि जो टेक्नोलॉजी आ चुकी थी पास, पास्ट पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर फिर प्रेजेंट टेंस यूज नहीं हो रहा होता तो इसका मतलब क्या है मैं बी को भी नहीं लगा सकता अगर मैं सभी ऑप्शंस को कट कर दे रहा हूँ तो मेरे हाथ में सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड मतलब इस सेंटेंस के अंदर कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा एक बार जल्दी से बता देता हूं कि कैसे हम इसको एलिमिनेट करेंगे ठीक है इज इट क्लियर टू एवरी अगर ये रेस डाल है तो ये हैस के लिए रेज डाल रहा है ऑल्सो एक एडवर्ब है ठीक है तो वो पास टेंस नहीं है वो हैस के बाद आपको पता है ना थर्ड फॉर्म आती है वो वाला है ठीक है प्रीति ओके अब आ जाओ इधर समझो द्विद्य अच्छा मैं बताता हूँ ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करा पहले हमने हैस को चेक करा सिंगुलर के लिए यूज होता है तो आपने देखा यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो कम्युनिकेशन था सिंगुलर था अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो और have वाले option को रीड करने की भी जरूरत नहीं कट गए हो रही है ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है जो पास्ट में हुई हो उसके बाद हम आगे कोई बात कर रहे हो तो ऐसी कोई सिचुएशन बन नहीं रही है तो हमने देखा यार प्रेजेंट टेंस चल रहा है प्रेजेंट टेंस ही चलेगा इसलिए मैं हैड को भी गलत कर दे रहा हूँ क्लियर है फिर हमारे पास एक डी ऑप्शन भी रह जाता है। तो में कन्वीनियंट तो होता जा रहा है तो कम्युनिकेशन कोई भी चीज ट्राई नहीं करेगा इसलिए ट्राइज भी नहीं बन पाता वैसे ट्राई क्यों गलाता है क्योंकि है तो रीड करने की भी जरूरत नहीं थी इज इट क्लियर टू एवरी तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो आपके सामने ऑटोमेटिक आपके सामने 100 जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो लगाना है कमेंट सेक्शन है, है? तो में पूछ सकते हैं आगे आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं देखते हैं ये क्वेश्चन किन किन स्टूडेंट का सही होता है मैक्सिमम स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे इसका आंसर जल्दी से करेंगे जल्दी से इन्वॉल्वमेंट दिखाइए सभी स्टूडेंट सभी आंसर देंगे मुझे सभी का आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का चलिए इतना टाइम बहुत है अगर आपको और भी ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो पोस्ट कर लो ठीक है आ जाओ क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी मैं आरसी भी करवा दूँ कंप्लीट थर्टी क्वेश्चन में आपको करवा आ जाओ समझो देखो पहले रीड कर लेता हूँ फिर आपको मैं बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है तो हमने रीड करा एज सुन एज दी डेडलाइन फॉर दी प्रोजेक्ट अप्रोचेज जैसे ऐसे डेड लाइन अप्रोच करी थी मतलब जैसे ऐसे डेडलाइन आ रही थी तो यहाँ पर जो अप्रोचेज यूज़ करा गया है ये वर्ब यूज़ करी गई है तो क्या अप्रोच करी है डेड लाइन अप्रोच करिए मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए ऐस के बाद भी न्यू सब्जेक्ट लिखा जाता है ऐस के बाद भी आप न्यू सब्जेक्ट लिख सकते हैं और कभी कभी ऐस के बाद आप एग्जाम्पल भी देते हैं तो वो डिपेंड करता है रीडिंग करने पर जैसे रीड करोगे तो आपको पता लगना चाहिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है या फिर कोई बात करी जा रही है या कोई आप कह सकते हैं कोई कंजंक्शन यूज हो रहा है तो आपने देखा हाँ पे कंजंक्शन यूज हो रहा है तो बोला जा रहा है कि जैसे जैसे डेडलाइन अप्रोच कर रही थी तो कोमा लगा के बोला गया है जो टीम है मस्ट वर्क डिलीजेंटली जो टीम है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही थी वर्क करना चाहिए मस्ट मतलब करना चाहिए एक मैंडेटरी सिचुएशन बताई जा रही है मस्ट तो आपको ये पता होना चाहिए मस्ट एक एक मोडाल वर्ब होती है पता होना चाहिए सभी को ये एक मोडाल वर्ब होती है और मस्ट के बाद हमेशा वी वन आता है अगर आप इसके बाद बी या हैव लगा देते हैं तब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं तो आपने देखा मस्ट लिखा हुआ है मस्ट के बाद वर्क है वी वर्न लिखा हुआ है बिल्कुल सही है एक्चुअल में एरर बतानी नहीं है लेकिन मैं आपको इस फ्लो में लेके चलूंगा मैं अपना लेवल बढ़ा चुका हूँ और मैं चाहता हूँ अब आप भी लेवल बढ़ाइए क्यों लेवल बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं सेवनटीन प्लस वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने लाइव मोक सोल्व कराए तो अब मैं चाहता हूं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊ तो यहाँ से मैं आपका लेवल बढ़ा रहा ठीक है तो आपने यहाँ पर क्या चेक करना है हर एक चीज को आपके माइंड में फिट होना चाहिए मस्त के बाद आ गया ठीक है वो कैसा काम कर रहे हैं भाई डिलीजेंटली काम कर रहे हैं उसके बाद कोमा लगा हुआ है तो कोमा के बाद आप देख पा रहे हैं एक और वर्ब लगी हुई है तो ये वर्ब किसके लिए आई होगी भाई ये वर्ब उसी सब्जेक्ट के लिए आई होगी जो इससे पहले यूज हो चुका है तो इस टीम के लिए यूज हो चुका है तो क्या बोला जा रहा है द टीम कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट अब आप खुद देखिए इस कोमा से पहले दो सब्जेक्ट है एक तो डेडलाइन भी सब्जेक्ट है एक टीम भी सब्जेक्ट है क्या डेडलाइन कोऑर्डिनेट करेगी अपने एफर्ट को नहीं यहां पे डेडलाइन की बात नहीं हो रही है आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड किसके लिए लगा है ये सेंस ऑफ ह्यूमर मैं आपको देने जा रहा हूँ धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा आपको समझ में आने लगेगा तो आपने देखा भाई यहाँ पे जो वर्क कर रही है वो टीम वर्क कर रही है और इस टीम के लिए ही कोऑर्डिनेट यूज हुआ है ठीक है तो द टीम मस्ट वर्क डिलीजेंटली और दीम मस्ट कोर्डिनेट देयर एफर्ट और टीम को अपने एफर्ट कोडिनेट करना पड़ेगा एंड एनश्योरिंग दैट अब देखो यहां पर गलती क्या हो गई समझो बात को यहाँ पे गलती ही हो गई इस दीम के लिए दीम मस्ट तो पूरी यहाँ पर एक सब्जेक्ट ए रहा मोडाल वर्ग ए रही तो इसी टीम को मस्ट वर्क डिलीजेंटली डिलीजेंटली काम करना चाहिए दीम मस्ट कोर्डिनेट देर एफर्ट और इसी टीम को अपने एफर्ट को कोऑर्डिनेट करना चाहिए और ऐसे ही यहाँ पर आगे भी स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए था दी टीम मस्ट एंश्योरिंग गलत हो जाएगा आपने अभी अभी देखा कि मस्ट से सारी जुड़ी हुई है मस्ट से ही वर्क जुड़ा हुआ है और मस्ट से ही आपका कोऑर्डिनेट जुड़ा हुआ था कोऑर्डिनेट जुड़ा हुआ है और मस्ट से ही अगर आप एंश्योरिंग जोड़ने जाएंगे तो ये गलत बात हो जाएगी क्योंकि वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते आप मस्ट के बाद मस्ट के बाद अभी अभी मैंने आपको बताया या या तो V1 लगता लगता है या लगता है V3 और V3 का भी एक केस कौन सा ऑप्शन आएगा बहुत है, आप से बना सकते हैं ऐसे ये भी गलत है ऐसी अफॉर्म भी गलत है अब आपके हाथ में सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे या तो मेक श्योर आएगा गारंटीड आएगा अब आप खुद बताइए गारंटीड अबाउट आएगा क्या गारंटी अबाउट एवरी डिटेल इन यहां पर आएगा मेक श्योर डेट

मेंटेन करते हैं पैरलिज्म का मतलब क्या होता है पैरलिज्म का मतलब ही होता है वो सिर्फ आपको वर्ब देंगे सब्जेक्ट कॉमन कर देंगे कोई एक सब्जेक्ट लेंगे वो कॉमन कर देंगे अब अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन कॉमन है इट मींस उस common subject की एटलीस्ट मैं क्या बोल रहा हूँ एटलीस्ट दो वर्ब तो होगी होगी क्योंकि अगर दो वर्ब है तभी तो सब्जेक्ट कॉमन आएगा अगर एक ही वर्ब है और एक ही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कॉमन आप ले ही नहीं पाओगे इसका मतलब उसकी एटलीस्ट दो वर्ब होगी लेकिन यहाँ पे तीन वर्ब यूज हुई है पहली वर्ब ये वर्क दूसरी वर्ब ये कोऑर्डिनेट और तीसरी वर्ब ये कौन सी थी तीसरी वर्ब अब आपको चेक करना था जो तीनों वर्ब है वो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी थी जो कॉमन सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग लगानी थी तो जो कॉमन सब्जेक्ट है टीम इसके इसके बाद इन्होंने जस्ट बाद एक हेल्पिंग वर्ब दे दी आपको पता होना चाहिए मोडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब होती है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आगे वर्ब को मेंटेन करना था तो हेल्पिंग वर्ब ऐसा कहती है वी वन आना चाहिए तो फर्स्ट वाली भी वी वन हो गई सेकेंड वाली भी वी वन हो गई थर्ड वाली गलत थी तो हमने खुद ने उसको वी वन बना दिया ठीक है उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा ठीक है एरर का क्वेश्चन है जल्दी से बनाइएगा एक काम करते हैं पहले अपन एक एक सेक्शन ले लेते हैं जैसे अभी फ्रेज रिप्लेसमेंट चल रहा था तो एक और फ्रेज रिप्लेसमेंट ले लेते हैं जैसा आप बोलिए चलो कोई बात नहीं एक काम करते हैं फ्लो में ही चलने देते हैं अभी तक हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं डिटेल थर्ड क्वेश्चन आपके सामने फ्लो में चलने देते हैं बनाइए आंसर दीजिए जल्दी से और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा जरूर और शेयर भी करिएगा मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ पाए। एरर में आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेकर आऊंगा मैं खुद मैं एक एरर की पूरी सीरीज चलाऊंगा टेंशन मत लो इस बार के जो एग्जाम होंगे उसमें आप लोगों का परफॉर्मेंस मेरे हाथ में मैं आप लोगों का परफॉर्मेंस बढ़वाऊंगा मैं आप लोगों के मार्क्स बढ़वाऊंगा देखिए मैं हर एक चीज की सीरीज लेकर आऊंगा कंटिन्यू रखेंगे अब अपन यूट्यूब पे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए अच्छा चलिए आ जाइए इसमें बहुत सारे मिक्स आंसर आ रहे हैं इसका मतलब ये है यहां से आपको कुछ सीखने को मिलेगा

आ, आ, इसको आप कह सकते हैं कहेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा मैं इसका आपको बता देता हूँ इसका मीनिंग आपको क्या लिखना है अर्डेंट मीनिंग क्या होता है एडजेक्टिव होता है और स्विमर कैसा है अर्डेंट है मतलब बहुत ज्यादा एंथिक है ठीक है बहुत ज्यादा पैशनेट है पैशनेट लिख लो बहुत ईजी रहेगा सबको समझ में भी आ जाएगा पैशनेट लिख लीजिए इसका मीनिंग अर्डेंट इज इक्वल टू पैशनेट ठीक है सबसे पहले ये एक वो कैब जो आपको नोट डाउन करनी है और आपको ये आगे हमेशा काम आएगी अर्डेंट बहुत बार यूज हुआ है एग्जाम में भी यूज हो रहा है और अक्सर आता रहता है अक्सर आता रहता है ठीक है आ जाइए अब आगे बढ़ आगे बढ़ जाए बढ़ते हैं तो आपने देखा इसमें आपको एरर पता लगानी है ना देखो पहले डायरेक्शन जरूर पढ़ा करिए क्या पता लगाना है आइडेंटिफाई दी पार्ट डेट कंटेन दी एरर एरर वाला पार्ट हमें कंटेन करना है ठीक है आज पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं बोला जा रहा है हाइडेन कोई नाम हो सकता है किसी पर्सन का इज एन अर्जेंट स्विमर कैसा स्विमर है वो पैशनेट स्विमर

ध्यान रखिएगा ठीक है अर्जेंट याद रखिए पैशनेट अब आ गया तो आपने देखा भाई एक पैशनेट स्विमर है और ये मिस कर रहा है ही ही मतलब सिंगुलर सिंगुलर इसी के लिए यूज हुआ singular है तो miss आएगा मिस अगर आता तो गलत हो जाता तो ही टू स्विमिंग इन दी लोकल लेक मतलब वो मिस कर रहा है यार कि जैसे मैं अपने लोकल जो मेरे घर के आसपास जो लेक थी नदी थी छोटा तालाब था उसके अंदर मैं जैसे स्विम करा करता था उसको मिस कर रहा है किसके साथ मिस कर रहा है अलोंग विद हिज चाइल्डहुड फ्रेंड अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ वो उस चीजों को मिस कर रहा है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आराम से आप इसको रीड कर लेंगे लेकिन एक्चुअल में एरर क्या है तो देखिए अगर आपको इसको एक्चुअल में एरर अगर आप चाहते हैं आगे कभी आपसे क्वेश्चन गलत ना हो तो ये इन चीजों को नोट डाउन करिएगा जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं ठीक है मैं आपके लिए हर एक चीज इन डिटेल निकाल के लेकर आया हूँ इन चीजों को बस नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है आ जाइए देखो आपको ये हमेशा से आपके दिमाग में पता होना चाहिए आपको हमेशा ये याद होना चाहिए कि भाई अगर मैं इंजॉय लिख रहा हूँ अवॉइड लिख रहा हूँ मिस लिख रहा हूं पोस्टपोन लिख, लिख, लिख रहा हूं और सजेस्ट लिख रहा हूं तो ये सारी वर्ब जो होती हैं इन सभी वर्ब के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है आप इसको सिंपल भाषा में याद रखिए ये जितने भी वर्ब है जैसे इंजॉय हो गया अवॉइड हो गया मिस हो गया पोस्टपोन्ड हो गया एंड सजेस्ट हो गया जैसे आप बोलते हो ना आई मिस यू आप क्या बोलते हो आई मिस यू ठीक है आई मिस यू तो बात को समझिएगा अगर आप आई मिस यू बोल रहे हो तो आपने यहाँ पे मिस वर्ब का यूज करा है अगर आप मिस वर्ब का यूज कर रहे हैं तो इसके बाद आपको बताना पड़ेगा आप किसको मिस कर रहे हैं क्या मिस कर रहे हैं ऐसे ही अगर आप कोई चीज इन्जॉय कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा भाई आप क्या इन्जॉय कर रहे हो किसको इंजॉय कर रहे हो अगर आप किसी को अवॉइड कर रहे हो तो आप क्या अवॉइड कर रहे हो किसको अवॉइड कर रहे हो बताना पड़ेगा ऐसे ही अगर आप कोई चीज पोस्टपोन कर रहे हो तो बताना पड़ेगा क्या पोस्टपोन कर रहे हो ऐसे ही अगर आप कोई चीज सजेस्ट कर रहे हो तो बताना पड़ेगा क्या सजेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है इन सभी के बाद हमें बताना पड़ता है कि हम क्या चीज कर रहे हैं तो हमेशा हम वो चीज नाउन या फिर हम प्रनाउन में बताते हैं मतलब कहने का मतलब ये है इन सभी वर्ब के बाद हमें इनका ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है मतलब ऑब्जेक्ट लगाने का मतलब या तो वो नाउन होना चाहिए या तो प्रनाउन होना चाहिए इसका मतलब क्या है या तो नाउन होगा या तो प्रनाउन होगा इसका मतलब ये हो जाएगा इसके बाद अगर आप लिखेंगे तो ना तो आपके पास नाउन होगा ना तो आपके पास प्रनाउन होगा मतलब ये गलत हो जाएगा तो इसका मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी है जब भी इंजॉय अवॉइड या मिस पोस्टपोन या सजेस्ट आएगा तो आपको इसके बाद नाउन या प्रनाउन लगाना है अगर प्रोनाउन लगा हुआ है तो बात ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अगर नाउन नहीं है मान लो कोई वर्ब दे रखी है तो आपको वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म बना के आईएनजी फॉर्म लगा के इसको एज अ नाउन ट्रीट करवाना पड़ेगा इसलिए अगर मैं आपको ऐसा बोलूं आई डू नॉट एंजॉय टू प्ले वीडियो गेम गलत हो जाएगा मुझे बोलना पड़ेगा आई डू नॉट एंजॉय प्लेइंग वीडियो गेम लिखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि एंजॉय अवॉइड मिस पोस्टपोन सजेस्ट इन सबके बाद क्या आता है सीधा नाउन आता है और अगर आपके हाथ में नाउन नहीं है वर्ब दे रखी है तो वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म लगा दो ठीक है वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म लगा दो तो आपके पास ये करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा तो यही कंसेप्ट का यूज हमने इस क्वेश्चन क्वेश्चन में करा है ये के अंदर आ जाते हैं वापिस से ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप अगर आप देखोगे तो आपने देखा है मिस लिखा हुआ है मिस के बाद तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ऑब्जेक्ट का मतलब या तो नाउन होना चाहिए या तो प्रोनाउन होना चाहिए तो अगर आप जस्ट बात देख पा रहे हैं तो टू लगा हुआ है ना तो ये नाउन है ना उप, ना ये नाउन है मतलब ये गलत हो जाएगा इस पूरे को काट के आपको क्या लिखना पड़ेगा स्विमिंग लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा स्विमिंग लिखना पड़ेगा इज इट क्लियर तो इसका मतलब हमारा आंसर तो सी हो जाएगा तो सी विल बी अवर करेक्ट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चले आगे ध्यान रखिएगा सारी वर्ब होती है इसके बाद आपको नाउन लगाना है देखो ध्यान रखिएगा नाउन लगाना है आप ये मत रटना वर्ब के आई फॉर्म लगा दिया ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं सुनो मान लो इसने ऐसा लिखा ही मिसेज ठीक है ही मिसेज डैट बैग मान लो ऐसे लिखा डैट बैग तो आप क्या सोचोगे कि यार हमने तो ये पढ़ रखा है इसके बाद वर्ब के आई फॉर्म आती है तो आपको यहाँ पे वर्ब के आई फॉर्म दिखेगी नहीं तो आपके मन में डाउट आ जाएगा कि यार शायद यहाँ पे कुछ गलत है शायद गलत है तो आप इस कंसेप्ट को ऐसे याद रखो कि ये जो वर्ब होती है जैसे मिस हो गया एंजॉय हो गया इनके बाद हमें नाउन चाहिए या फिर हमें प्रनाउन चाहिए ठीक है तो अगर आप देख पा रहे हैं डायट बैग तो डायट बैग भी एक नाउन बन जाएगा मतलब ये सही है अगर आप इसके जस्ट बाद स्विम स्विंग स्विं लगा देंगे स्विम तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि स्विम से वर्ब हो जाएगी हमें क्या चाहिए नाउन चाहिए तभी हम वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म लगा के इसको नाउन बना लेते हैं इसलिए कह रहा हूं अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी ठीक है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा इसके बाद भी लगाओ और आई एनजी फॉर्म वाली लगाओ मैं ऐसा कह रहा हूँ इसके बाद नाउन या प्रोनाउन लगाओ अगर आपके हाथ में नाउन प्रोनाउन नहीं है तो वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म लगा के इसको जीरेड की तरह लगा दो ठीक है इसलिए हमने क्या करा टू स्विम को काटा और स्विमिंग कर दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मतलब एग्जैक्ट एरर ऑप्शन नंबर सी में है उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते हैं फिर भी कोई डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बनाओ चलिए इसको समझते हैं जल्दी से करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी देखिए अब इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है आज समझते हैं तो देखो आपने देखा सीमा एंड हर फ्रेंड सीमा एंड हर फ्रेंड एक से ज्यादा सब्जेक्ट है मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव ही आएगा हैव गोन टू आर रेस्टोरेंट ठीक है वेयर वहां पर दे दे क्यों आना है क्योंकि एक सीमा भी है और उसकी फ्रेंड्स भी हैं

मतलब आपको डायरेक्ट इसके बाद बताना पड़ेगा क्या डिस्कस करना है क्या डिस्क्राइब करना है क्या ऑर्डर देना है क्या रिक्वेस्ट करनी है जैसे डिस्कस क्या करना है हमें प्रोजेक्ट डिस्कस करना है डिस्क्राइब क्या करना है हमें हाउस डिस्क्राइब करना है हमें ऑर्डर क्या देना है पिज्जा ऑर्डर देना है हमें रिक्वेस्ट क्या करनी है एक मीटिंग की ऐसे तो इसका मतलब अगर मैं इनडायरेक्टली बोलू तो इन सब वर्ब के बाद भी आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा मतलब डायरेक्ट बताना पड़ेगा क्या डिस्कस करना है क्या डिस्क्राइब करना है क्या ऑर्डर देना है क्या रिक्वेस्ट करना है ठीक है तो इसका मतलब ये हो गया अगर आप इस क्वेश्चन को इस टेस्ट में अगर देखो तो ऑर्डर के बाद सीधा लिखना पड़ेगा क्या ऑर्डर दिया इज टू इन ये लगाने की नहीं। कोई भी लगाने की की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है कोई भी तो सीधा लगाओ क्या ऑर्डर दिया है आपने ठीक है तो इसका मतलब क्या है इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर बी में बन रही है तो मैं लगा रहा हूँ इसमें डी ऑप्शन ठीक है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसको बनाइए जल्दी से चलिए इतना टाइम बहुत है देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं तो हमने इस क्वेश्चन को करा पहले डायरेक्टली दी मीटिंग बिगेन तो यहां पर डायरेक्टली मीटिंग बिगेन मतलब बोला जा रहा है सीधे ही मीटिंग चालू हुई दी गैदरिंग होस्ट ने क्या करा एड्रेस करा किसको गैदरिंग को एंड मेंशन करा देखो यहां पर भी सेम मेंटेन हुआ है एंड के बाद आया मतलब वी टू आया तो ये वी टू किस सब्जेक्ट के लिए आया बताओ ये इसी होस्ट के लिए आया तो होस्ट ने पहले भी देखो वी टू लगाया ना सेम वर्ब लगानी पड़ेगी इस होस्ट ने क्या करा एड्रेस भी करा और इसी होस्ट ने मैंशन करा क्या मेंशन करा भाई दी एजेंडा ऑफ द मीटिंग तो अगर आप रीड कर रहे हैं तो रीडिंग में बाकी सारे पार्ट्स में कोई एरर नहीं दिख रही है एक एरर ये दिख रही है कि डायरेक्टली थोड़ा सा अजीब लग रहा है

मैंने ऐसा बोल दिया देखो सुनो अब यहां से भी एक चीज आपको सिखा रहा हूं मान मैं। लो मैंने ऐसे बोल दिया इन द बिगनिंग है ना इन द बिगनिंग ऑफ द मीटिंग बिगिन अब ये गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा अगर मैं इनसे स्टार्ट कर रहा हूं तो इन द बिगनिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा ऑफ के बाद दी मीटिंग भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा फिर ये वर्ब गलत हो जाएगी वर्ब किसके लिए आया ये वर्ब गलत हो जाएगी इसलिए मैं इन दी बिगनिंग में नहीं लिख सकता इससे बढ़िया क्या है मैं ऐसे लिख देता हूं as soon as, क्या लिख देता हूं as soon as the meeting begin. तो जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई तो यहां पर ये करेक्ट हमारा आंसर बन जाएगा इसका मतलब क्या है हमें आंसर लगाना पड़ेगा ए ठीक है इज इट क्लियर टू everyone चलें चले आगे नेक्स्ट बढ़े ओके

उसके बाद ही आप हैड और v3 लगा सकते हैं मतलब उसके बाद ही आप पास्ट परफेक्ट लगा सकते हैं मतलब बिना किसी पहले कोई भी पास्ट टेंस यूज करे ठीक है कोई भी टेंस पास्ट के भी बहुत सारे फॉर्म होती है ना सिंपल पास्ट भी होता है पास्ट कंटीन्यूअस भी होता है तो वो अगर आप यूज कर रहे हैं उसके बाद ही आप या उस सेंटेंस के अंदर कहीं आप हैड और v3 लगा सकते हैं मतलब डायरेक्ट अगर आपको किसी सेंटेंस में हैड और v3 दिखता है और उसके आसपास और भी कोई पास टेंस यूज नहीं हो रखा तो वो हैड गलत है ठीक है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर ये वी टू सही है ये भी वी टू सही है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसको बनाइए जल्दी से चलिए देखो इफ यू आर अ वेज लव मशीन बोला जा रहा है अगर आप काम करने वाले लोग हो, तो आपको मशीन से प्यार करना चाहिए या प्यार होना चाहिए या आप मशीन को पसंद करते हो तो देखो यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज हुआ है ये कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं concept ये कहता है कि अगर आप लेस्ट यूज करते हैं तो लेस्ट के बाद हमेशा शुड यूज होता है और नोट यूज नहीं होता है नोट यूज नहीं होता है तो आपने देखा लेस्ट यूज हो रखा है शुड यूज हो रखा है बिल्कुल सही है नोट यूज कहीं नहीं हो रखा है लेकिन आपको मैंने ये भी बता चुका हूं कि लेस्ट के बाद अगर शुड हम लिखते हैं तो ये सेंस आता है कहीं देर ना हो जाए कुछ नेगेटिव चीज का यहाँ पे सेंस आता है मतलब ये नेगेटिव बात को करता है तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर कहीं भी सेंटेंस के अंदर कोई नेगेटिव बात आ नहीं रही है ऐसा ऐसा नहीं आ रहा है है पर अगर अगर बोला जाता कि अगर आप वे है, तो आपको रेस्ट नहीं करना चाहिए आपको घर पे आराम नहीं करना चाहिए रिलैक्स नहीं करना चाहिए ऐसा होना चाहिए था सेंटेंस तब लेस्ट और शुड बन जाता लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी पॉजिटिव बात है और यहाँ पर भी लव मशीन पॉजिटिव बात है तो उसका मतलब जब पॉजिटिव बातें आपस में चल रही है तो लेस्ट एक नेगेटिव टोन वाला वर्ड बीच में गलत हो जाएगा तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा ठीक है उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा ठीक है चले आगे चलिए इसको बनाइएगा जल्दी जल्दी करेंगे हम चलिए जल्दी से इसको बताइए इसमें मैं आपको बता देता हूं आपको रोंगली स्पेल्ट बताना है, या तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी या फिर इनअप्रोप्रिएट लगा होगा हुआ है चलो आज अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं देखो अगर आपने यहाँ पर इसको रीड करा तो हम रीड कर लेते हैं पहले पहले अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या कहता हूँ अगर स्पेल्ड की बात हो रही है तो पहले स्पेलिंग ही हम चेक करेंगे बिना रीड करे सेंटेंस को शैम्पू की स्पेलिंग सही है सोप की स्पेलिंग सही है थर्ड की स्पेलिंग सही है अच्छा अब ये जो वर्ड है बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है इसको भी रखो साइड में इसको पढ़ो एंट्रेंस की स्पेलिंग सही है

होते हैं लेकिन वर्ड मीनिंग उनका डिफरेंट होता है ठीक है तो हम उनको क्या कहते हैं, और ये देख हैं आप? इसका भी मतलब क्या होगा मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी आईल होगी इन दोनों ही वर्ड के अंदर एस जो होता है वो साइलेंट रहता है एस को आपको रीड ही नहीं करना है. तो देखो आइल ही पढ़ेंगे इसको भी एस हटा देंगे तो आइल ही पढ़ने में आएगा इसका मतलब क्या है इसको हम आइल पढ़ते हैं एस इसमें साइलेंट रहता है लेकिन दोनों के मीनिंग बहुत डिफरेंट है इसमें देखो ए लगा हुआ है आगे इसमें से ए है तो जिसमें ए नहीं होता है उस वर्ड का मीनिंग होता है आइसलैंड और जिस वर्ड में ए होता है उसका मतलब होता है कोई पास वे मतलब पैसेज वे या आप कह सकते हैं वोक वे मतलब आप कह सकते हैं पगडंडी मतलब एक रास्ता जो निकलता है उसको हम आइल कहते हैं जिसमें ए लगा होता है जिसमें ए नहीं लगा उसको सिंपल सा हम आइसलैंड रिलेट कर लेते हैं देखो आइल एक तरह से आइसलैंड के लगभग आसपास ही है इसकी आप देख पा रहे हैं इसकी जो स्पेलिंग है आइसलैंड के रिलेटेड ही है तो इसका मतलब क्या है अगर यहाँ पर आइल यूज हुआ है जिसमें ए नहीं लगा है तो उसको हम आइसलैंड कहते हैं जिसके अंदर ए लगा होता है आप उसको कह सकते हैं पास अवे ठीक है पैसेज अवे तो आप कह सकते हैं वोक अवे ठीक है वोक अवे वो सही रहेगा वॉक वे सही रहेगा या आप कह सकते हैं पैसेज वे सही रहेगा या आप कह सकते हैं पगडंडी जाने का रास्ता ठीक है उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा समझ में आ गया होगा ठीक है अब आ जाओ अब इस क्वेश्चन में आ जाओ अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है थर्ड आइसलैंड अगर ये वाला वर्ड लिखा गया है तो मैं इसको समझने के लिए क्या पढ़ूंगा आइसलैंड पढ़ूंगा आज रीड करते हैं शैम्पू एंड फ्रॉम दस अब आप खुद बताइए तीसरा वहां पर रास्ता जा रहा है ना वहां पर आपको शैंपू और सोप मिलेंगे तो इसका मतलब ये आइल गलत यूज करा गया है यहाँ पर ए आई एस एल ई वाला आयल यूज होना चाहिए था मतलब ओनली डी विल बी अवर करेक्ट आंसर तो हो सकता है आपने इसको पे पे या तुक्के के sense पे आपका सही आया हो लेकिन इसका जो exact meaning का जो का होता होता है 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 वो इनकी spelling में ठीक अगर मैं आइल यूज कर रहा हूँ तो आइसलैंड अगर मैं A लगा के यूज कर रहा हूँ तो पगडंडी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं वोक वे कह सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते हैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो अगर आपको इनका मीनिंग नहीं पता होता दोनों का तो आप आंसर इसका नहीं लगा पाते और अगर लगाते भी तो तुक्के से सही होता आपको उसका सेंस नहीं पता होता या आप कह सकते हैं आपको उसका कंसेप्ट नहीं पता होता तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है अब आप आगे ध्यान रखेंगे तो ये एग्जैक्ट लेवल मैं कह सकता हूँ जो एग्जामिनर पूछ सकता है आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ड के मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ठीक है थिके? बिल्कुल हो सकता है काजल अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे अगर आप अपना एक जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रोंग है उसको और स्ट्रोंग कर लें और जो वीक सब्जेक्ट है जो वीक आपके टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट हैं उनको थोड़ा सा आप एवरेज से ऊपर कर लें तो डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हैं और मुझे लगता है इंग्लिश बहुत अच्छा रोल प्ले करता है उसमें क्योंकि इंग्लिश का वेटेज प्री और मीन्स दोनों में ही अच्छा होता है टाइम भी कम लगता है डिस्क्रिप्टिव भी आता है तो अच्छे खासे से आप मैनेज कर सकते हैं ठीक है चलिए अब इसको सोल्व करते हैं जल्दी से देखो सबसे पहले मैंने आपको बोल रखा है स्पेलिंग स्पेलिंग की बात आए तो चेक करो विजिटर्स बिल्कुल सही है अलाउड सबको पता है गलत है मतलब बी तो आंसर हो गई होगा या तो आंसर ए होगा नहीं तो आंसर डी होगा आज आफ्टर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है कंप्लीट बिल्कुल सही है ई में चेक चेक यू ये चेक वो वाला चेक है जो आप चेक देते हैं ना किसी को पेमेंट करने के लिए वो वाला चेक है अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे ये वाला चेक आएगा या नहीं आएगा इसका मतलब क्या है कि या तो डी गलत हो सकता है या तो आज चेक कर लेते हैं राष्ट्रपति भवन आर अलाउड आना चाहिए था. डबल एल वाला. Are allowed inside, only after, तभी inside, तभी आपको अंदर जाने देंगे. जब गोइंग थ्रू कम्प्लीट थोरो क्या आएगा? जब भी जाने देंगे जब आप कंप्लीट आप सिक्योरिटी चेक कर लेंगे आपकी चेकिंग पूरी हो जाएगी दोनों दोरो का मतलब बहुत ही फोकस्ड होकर बहुत ही कंप्लीट इन डेप्थ आपकी चेकिंग होगी तो ये वाला चेक नहीं आएगा ये वाला चेक आएगा ठीक है तो इसका मतलब क्या है यहां पर एरर आपकी बन उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन रहेगा आपको क्या करना है रीअरेंज करना है मैं आपको सारे ऑप्शन दिखा देता हूँ मेरा फेवरेट क्वेश्चन ये रहेगा क्यों फेवरेट रहेगा आप खुद देख लीजिए आंसर दीजिए रीअरेंज करना है आप सभी आंसर दीजिए और अगर बढ़िया लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए अब मजा आने वाला है देखो मैं टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करता हूँ मैं सीधा आंसर पे आता हूँ सीधा एक्सप्लेनेशन पे आता हूं। देखो समझो अगर आप इसको रीड करेंगे तो आप नहीं बना सकते इस क्वेश्चन को कभी भी बहुत दिक्कत आएगी बहुत दिक्कत आएगी रीड करोगे तो फिर हम क्या करें फिर हम ऐसा कर सकते हैं ग्रामर अप्रोच लगाते हैं ग्रामर अप्रोच कैसे लगा सकते हैं आज जाओ देखो ग्रामर की अप्रोच कैसे लगेगी सुनो क्या मैं कैन नोट से सेंटेंस स्टार्ट कर सकता हूँ कैन नोट से नहीं कर सकता कैन नोट से सेंटेंस स्टार्ट तो इसका मतलब क्या है बी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता ये वाला ऑप्शन मेरा गया ठीक है ओके उसके बाद आप मुझे एक बात बताइए क्या मैं यहाँ पर अच्छा सिर्फ अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बच गए हैं सी ऑप्शन बच गया और ए ऑप्शन बच गया या तो मैं सी से स्टार्ट करूंगा नहीं तो मैं ए से सेंटेंस को स्टार्ट करूंगा ठीक है अब देखो अब आपके पास या तो आप रीड करो वो ऑप्शन बचा नहीं तो आप और इसमें इन डिटेल ग्रामर का यूज कर सकते हो क्या ग्रामर है वो देखो समझते हैं आपको ये कह रहा है या तो सी से करिए या तो ए से करिए तो दोनों को एक बार read कर लेते हैं भाई भाई कह रहा है हाँ इससे भी, तो really हाँ भी हो सकता है अब किस पे हम जाएंगे ठीक है किस पे जाएंगे देखो समझते हैं पहले मैं ए को ले लेता हूँ क्योंकि ए मुझे थोड़ा कन्वीनियंट लग रहा है रीड करने में तो मैंने लिखा जस्ट एज डेट ठीक है इसके बाद ये दो ऑप्शन दे रहा है या तो ए के बाद ई e लगाओ या तो ए के बाद डी लगाओ चलो ए के बाद एक बार ई e को रीड कर लेते हैं एक बार डी को रीड कर लेते हैं ठीक है आ जाओ तो हमने यहाँ पर इसको रीड करा जस्ट एज डेट उसके बाद मैं ई e को रीड कर रहा हूँ विच इज नोन एग्जिस्टेंस ओके उसके बाद मुझे बी को रीड करना कैन नोट गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस उसके बाद मुझे सी को करना है डेट विच really is एग्जिस्टेंस उसके बाद डी को करना है cannot come into क्या यहाँ पर कोई भी बना बना। नहीं बना। अगर आप करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा इसको कैसे बनाना है ठीक है देखो ए के बाद डी को, करो, C को करो, करो तो आपने करा जस्ट एज डेट उसके बाद आप E लगा रहे हैं विच तो देखो आप डेट देख भी लगा रहे हैं और उसके बाद आप विच लगा रहे हैं ठीक है उसके बाद आप बी लगा दो कैन नॉट गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस तो आपने बोला इज नॉन एग्जिस्टेंस कैन नॉट गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस उसके बाद आप लगा रहे हो सी को डेट विच really उसके बाद आप डी लगा रहे हो कैन नॉट कम इन टू बी तो बहुत ही कंफ्यूजिंग नहीं बैठ रहा चलो कोई बात नहीं एक बार इसको पढ़ते हैं ए और डी को पढ़ते हैं जस्ट एज डैट कैन नॉट कम इन टू बी उसके बाद आप ई लगा रहे हो विच इज नॉन एग्जिस्टेंस तो देखो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा समझते हैं देखो अगर आप ए के बाद डी लगा ए के बाद अगर आप विच लगा रहे हो क्योंकि देखो ई e लगा रहे हो ना उसके बाद आप एक और वर्ब लिख रहे हो तो ये जो वर्ब आ रही है विच के बाद आपको कोई एंटीसीडेंट मिलेगा ही नहीं किसके लिए इज लगा रहे हो इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है और ए बैठ नहीं रहा है रीड करने पे इसका मतलब क्या है फिर हमारे को जाना पड़ेगा मजबूरी है सी के साथ अब आ जाओ सी को रीड करते हैं डेट विच इज एग्जिस्टेंस अब देखो अगर आप डेट से किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हो इसका मतलब आप किसी भी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो जैसे आप बोल रहे हो डैट पेन या बोल रहे हो डैट बुक तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना तो यहाँ पर ये यह बोल रहा है डैट विच इज एग्जिस्टेंस ये बोल रहा है ऐसी चीज जो रियली really एग्जिस्ट कर रही है उसके बाद आप क्या लगा सकते हो बी या फिर डी चलो दोनों को रीड करते हैं अगर मैं बी लगाऊट गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस उसके बाद अगर मैं D तो cannot come into being. अच्छा अब इन दोनों को समझिए बहुत बहुत ध्यान से है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं समझा सी से मैंने स्टार्ट करा, that which really जा रहा है ऐसी चीज जो रियली really एग्जिस्ट करती है ठीक है जो चीज रियली एग्जिस्ट करती है वो कभी भी एग्जिस्टेंस से बाहर नहीं जाएगी मतलब ऐसी चीज़ जो कर रही है, वो कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते बोल सकते हैं कि सी के बाद हमें एक बार को बी रीड करना चाहिए आज वो रीड करते हैं। really ऐसी चीज जो कर रही है वो कभी भी आउट ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं जाएगी उसके बाद एक जस्ट एज डेट तो यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसे ही सेम सिमिलर ऐसे ही क्या बोल रहा है ई e पढ़ो ऐसे ही विच इज नोट एग्जिस्टेंस ऐसे ही जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है डी कैन नॉट कम इन बी तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है वापिस से बता ठीक है अच्छे से समझिएगा ठीक है ऐसी चीज जो एग्जिस्ट कर रही है रियली really जो एग्जिस्ट कर रही है वो कभी भी आउट ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं जाएगी मतलब कोई एक चीज है अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो एग्जिस्ट अब नहीं कर रही है वो बाहर चली गई एग्जिस्टेंस से ठीक है एक तो ये बात बोली जा रही है तो दूसरा बोला जा रहा है जस्ट एज एस ऐसे ही जो चीज अभी नहीं नहीं है वो आगे भी कभी एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब इसका मतलब सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था कोई बात नहीं अगर आपको ये गलत हुआ भी है तो बहुत ही बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया था तो मैं आपको ये चाहूंगा अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है

लास्ट ऑप्शन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई मैं लिखता हूँ बी डी ई -E ए सी इसका आंसर देंगे सब आंसर दो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा पकड़ा है पेयर बहुत अच्छा बनाया आपने देखो जो मेरे रेगुलर यूट्यूब स्टूडेंट हैं और जो पेड बैच के स्टूडेंट हैं उनको इसका आंसर विद इन फाइव सेकेंड मिल गया होगा एक बार चेक कर रहे हैं टोपर ने इसका आंसर लगाने के लिए कितना टाइम लिया क्या टोपर का आंसर मेंशन है हाँ टोपर ने भी सही करा है लेकिन टोपर ने फिफ्टी सेवन सेकेंड लिए अगर टोपर फिफ्टी सेवन सेकेंड ले रहा है तो मैं इसको एक मिनट कंसिडर कर लूँ क्या फिफ्टी सेवन सेकेंड मीन्स एक मिनट कंसीडर कर लूँ लेकिन अब आप खुद बताइए जो स्टूडेंट मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं या जो स्टूडेंट पेड बैच के हैं क्या उनको एक मिनट लगेगा कभी उनको हार्डली इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं बता देता हूँ हार्डली टेन सेकेंड लगेंगे ठीक है कैसे देखो ऐसे तो आप सभी को ये मैंने बता रखा है मोडाल वर्ड्रेड परसेंट वर्ब तो जरूर लेती है अगर वो मेन वर्ब ना ले अगर वो मेन वर्ब नहीं भी ले रही है मोडाल तो वो हेल्पिंग वर्ब जरूर ले, ले लेती है ये मैंने आपको बता रखा है

ए के बाद ई e ऑप्शन तो आएगा ही आएगा मतलब ए के बाद ई e का पेयर बनेगा ही बनेगा अब आप खुद आराम से चेक करो किस ऑप्शन के अंदर ए और ई e का पेयर बन रहा है तो सिर्फ एक मात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए और ई e बन रहा है कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है बस आपका आंसर फिक्स है 100% परसेंट श्योरिटी के साथ आपका ये आंसर आएगा ही आएगा इज इट क्लियर टू एवरी ठीक है तो सबसे फास्ट आंसर अनु शर्मा का था बहुत फास्ट विद इन सेकेंड इनका ने भी अच्छा पेर निकाला है बाय अच्छा लगा हुआ है तो बाय के बाद हम लिखते हैं किसने कौन सा काम करा है तो आपने देखा बाय नेचुरल सिलेक्शन तो इसके बाद अगर आप वर्ब लगाएंगे तो वर्ब की आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो देखो वर्ब ये प्रोड्यूस तो प्रोड्यूस बाय नेचुरल सिलेक्शन अब आपको एक बार रीड करना पड़ेगा ठीक है तब जाके आप इस आंसर को कंफर्म कर सकते हैं लेकिन इसमें सबसे बेस्ट अप्रोच होगी मोडाल की तो मैंने आपको अक्सर बताया है कि मोडाल जब भी आ जाता है उससे बेस्ट अप्रोच कुछ नहीं होती है ठीक है चलिए तो आप देख पा रहे हैं, आपने टोपर को यहाँ पे बीट कर दिया है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बनाइएगा और अगर बढ़िया लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए भारत रतन ही हम इनको देते हैं इंग्लिश रतन एक इंग्लिश रतन अवार्ड निकालते हैं वो इनको मिलना चाहिए उसके बाद मानसी का भी सबसे फास्ट आंसर आया था उसी पॉइंट आउट उसी पेयर को इन्होंने पॉइंट आउट करा था देखो कितनी फास्ट आंसर आ रहे हैं बहुत बढ़िया तो इसका मतलब यह है कि आप लोग उस एप्रोच के साथ जा रहे हैं कि जिस क्वेश्चन में ना करें। हम ग्रामर एप्रोच लगा सकते हैं। या हम कह सकते हैं हम ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं ऑब्जर्वेशन अगर, अगर अपन लगाते हैं तो ऑब्जर्वेशन से बहुत जल्दी आंसर आ जाता है रीड करने से बहुत जल्दी आंसर आता है

डिफाइंड एज यहाँ पे आपको पेयर को क्लिक करना था और उसी के साथ आपको जाना था ठीक है अगर आप अभी बिगिनर हैं आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी है तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा चाहे आप बिगिनर हैं या नहीं है तो अगर आपने के अंदर ये पेयर ढूंढ दिया है जैसे आपने डिफाइंड एज ढूंढ लिया है पांच सेकेंड के अंदर तो मैं चाहूंगा आप दस सेकेंड और इन्वेस्ट करें और इस पेयर को मतलब इस सीरीज को या इस सिक्वेंस को आप अच्छे से रीड करें और फिर जाके आंसर कंफर्म करें इससे क्या होगा आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो और हाई होता जाएगा चलो आज रीड करते हैं सी से स्टार्ट करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट इज थर्स डिफाइंड एज द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मैनेज द सिमटम्स कोमा ट्रीटमेंट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंस एंड उसके बाद डी लगा रहे हैं एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस इनहेरेंट इन लिविंग विद अ क्रोनिक कंडीशन अच्छा क्रोनिक का मतलब क्या होता है क्रॉनिक का मतलब ऐसी चीज होती है जो बहुत पहले से चली आ रही है ठीक है चलिए उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा तो देखो मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे खासे आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो फिर आपको क्रॉस चेक नहीं करना पड़ेगा अगर आप बिगिनर हैं आपके अंदर डाउट आ रहा है कभी कभी सिक्स सेंस भी काम करता है डाउट आ जाता है तो आप रीड कर लो जो सीक्वेंस आपका बन रहा है क्या वो सही है नहीं है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए इसको बनाइए ऑप्शन नंबर ई आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा मैं ऑप्शन नंबर ई लिख दे रहा हूं शायद ऑप्शन नंबर ई में लिखने से पहले ही आपके आंसर आ जाए पर मैं जल्दी से लिख देता हूं डी सी ए बी ऑप्शन नंबर ई है ठीक है अब देख लो आप क्वेश्चन क्लासेस रेगुलर रहेंगी प्लीज सपोर्ट करिए शेयर करिए देखिए जितने ज्यादा आप ग्रुप में शेयर करते हैं आप लोग खुद अगर शेयर करते हैं देखो शेयर जब भी करिएगा अगर आपको लग रहा है हाँ यहाँ पे कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तभी और तभी लाइक करिएगा अगर आपको लग रहा है कुछ अच्छा सीखने को मिला है तभी अगर आपको लग रहा है मैं आ रहा हूँ सिर्फ ऑप्शन बता के जा रहा हूँ ये इसका सही ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है तो फिर आप ना तो लाइक करिए ना शेयर करिए अगर मैं आपको इन डिटेल नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ अगर क्वेश्चन को मॉडरेट किया जा रहा है क्वेश्चन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तब भी आप आंसर तक पहुंच जाओ और आप 100 परसेंट एक्सी तक पहुंच पा रहे हो मेरी वीडियो से तभी आप लाइक और शेयर करिएगा और अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भाई वाकई में मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए अगर आप शेयर लाइक like नहीं करते फिर मुझे लगता है यार बेकार चीज मैं दे रहा हूँ फिर मुझे लगता है मैं मैं क्यों आप लोगों के लिए इसलिए यूट्यूब कंसिस्टेंसी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है आपके शेयर और लाइक पर डिपेंड करती है ठीक है तो प्लीज यार शेयर लाइक करिएगा चलो आंसर बताइए जल्दी से ओके बहुत बढ़िया वर्षा गुप्ता ने ईच अदर नवजीत ने भी ईच अदर को मार्क करा है और कोई है क्या जो मुझे कुछ पेयर बना बना के दिखाना चाहेगा यस yes, बहुत agreed, बहुत बढ़िया बढ़िया बॉयज देखो आपने देखा यार ईच अदर लिखा हुआ है और बहुत इजी क्वेश्चन है और सबसे रीडिंग से ही बन जाएगा एक बार चेक कर ले क्या टोपर के क्या हाल है इसमें टोपर के हाल चेक कर जाते हैं टोपर ने ट्वेंटी सेवन सेकेंड लिए मतलब आधा मिनट लिए क्या आप लोगों को आधा मिनट लगेगा नहीं आधा मिनट नहीं लगेगा मतलब टोपर हमेशा हमेशा तो बोलना एक तरीके से वो जाएगा वैसे तो हमेशा ही रहेगा टोपर आपसे पीछे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हम उन क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं जिनको रीड करना पड़ रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्या पता टोपर मेरे ही बैच में से एक हो ठीक है ना तो इसलिए मैं हमेशा टॉपर से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा क्या पता मेरे ही बैच के स्टूडेंट टॉपर बन रहे हो तो इसलिए मैं बोलूंगा कि भाई अगर आप बेस्ट अप्रोच के साथ जा रहे हो तो आप हमेशा आगे रहोगे ये बोलना सही रहेगा बजाय इसके कि टॉपर को हम क्रिटिसाइज करें

या फिर ए ऐसे करूं ऐसे ही करूंगा आई बिलीव बॉयज दीड तो बॉयज के बाद एग्रीड बैठेगा इसका मतलब क्या है ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर ठीक है चलिए हार्डली इसमें आपको टेन सेकेंड लगेंगे तो टेन सेकेंड अगर आप लगाते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ओके okay. अब आपके सामने एक आरसी आ गया आरसी में एट क्वेश्चन है पूरे एट क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन अभी रुकिएगा पहले चलते हैं पहले छोटे मोटे क्वेश्चंस को निपटाते हैं फिर आके आरसी को भी देखते हैं चलिए आ जाइए तो अभी दी कॉलम भी छोड़ रहा हूँ हाँ ये वाला मेरा फेवरेट रहेगा क्लोज डी टेस्ट क्लोज टेस्ट हो। क्लोज टेस्ट मेरा देखो मैं एक सीरीज चलाने वाला हूँ ध्यान रखिएगा पेड 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 बैच में बैच में में भी मैं सीरीज सीरीज चलाऊंगा चलाऊंगा मेंस मेंस लेवल लेवल की क्लोज टेस्ट यूट्यूब के, के जो एफोर्ड नहीं कर पाते मैं ये नहीं कह रहा सभी स्टूडेंट बैच लो अगर आप एफोर्ड नहीं कर पाने कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को फ्री में भी मैं बहुत कुछ दूंगा तो प्री के अंदर मैं एक सीरीज चलाऊंगा क्लोज टेस्ट विलियम्स लेवल विलियम्स लेवल में डिफिकल्ट भी जाएंगे हम मॉडरेट भी जाएंगे इजी भी जाएंगे तो ये क्लोज टेस्ट आपके सामने है जल्दी से क्लोज टेस्ट बनाइएगा पहले ऑप्शन का आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा और इसमें जो मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे होगा आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे मैं रखने जा रहा हूँ वो मैं रखने जा रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी ठीक है और ऑप्शन नंबर सी आई थिंक मैं और चेक कर लूंगा बता दूंगा आपको क्वेश्चन ऑफ दी डे क्या होगा अभी आप एक आंसर दीजिए मुझे बहुत बहुत जल्दी आंसर आ रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए स्टार्ट कर दे रहा हूं आ हेल्दी लाइफ स्टाइल डिमांड्स रेगुलर एक्सरसाइज बोला जा रहा है हेल्दी डिमांड करती है देखो आ हेल्दी लाइफ स्टाइल सिंगुलर है इसलिए डिमांड्स आया है, है ना रेगुलर एक्सरसाइज एंड इट इज इट किसके लिए आ रहा है भाई इस हेल्दी के लिए आ रहा है ठीक है ना तो ये सारी चीजें अगर आपके माइंड में आपको पता होगी तो बहुत हेल्प करेगी आगे देखो आप ये आपको पता होना चाहिए इट किसके लिए आया इट आया हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए इट इज एन इंटरगल पार्ट ऑफ बींग फिट ये हमारा ओके okay. यहाँ पर इट किसके लिए है एन इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बीइंग फिट ओके ओके सॉरी यहाँ पर इट हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए नहीं आया है ए रेगुलर एक्सरसाइज के लिए है okay, okay, एक्सरसाइज के, के लिए आप इट लगा सकते हैं एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बीइंग फिट ये हमारा इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए अगर हमें फिट रहना है तो एक्सरसाइज के लिए इट आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है आ जाओ स्टडी आफ्टर स्टडी तो आपको पता है ना स्टडी आफ्टर स्टडी का मतलब जितनी स्टडी होती गई है स्टडी के हर स्टडी के बाद ये पता लगता रहा है कि हैज शोन

चलिए बी ऑप्शन ऑप्शन पे आप लोग क्या लगाना चाहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है Options आपके सामने लगाइएगा हो सकता है आप लोग आंसर सही कर लेकिन मैं जो सिखाऊंगा वो आपके आगे मेंस लेवल तक काम आएंगे ठीक है बी का आंसर दीजिए जो स्टूडेंट अभी अभी जुड़ रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए में भी ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों के आंसर गलत आ सकते हैं चलिए अब मैं आपको सिखा देता हूं इसमें क्या लगाना है देखो मैं आपको अक्सर ही बोलता आया हूं अगर फिलिंदी ब्लैक सॉरी क्लोज टेस्ट अगर आप कर रहे हैं और बहुत पास में अगर लिख रखा है मतलब पहला क्लोज टेस्ट का पहला फिलिंदी ब्लैंक्स एक दो लाइन में है तो स्टार्टिंग से रीड करते जाइए आपको पता लग जाए क्या बात रही है

तो इसका मतलब क्या है अगर आप छोटे छोटे लाइन से रीड रीड करते चल। फ्लो बनाते चलो। इतनी बड़ी आगे तो करने डिजीज बोला जा रहा है कि यार अगर आग आग रेगुलर करेंगे, तो ये सिर्फ नॉट ओनली ये सिर्फ आपकी जो डिजीज डेवलप हो रही है ना उसकी रिस्क को ही कम नहीं करेंगे बल्कि और क्या कर सकते हैं डिजीज योर वेट अच्छा ये सिर्फ क्या करेंगे रिक्स कम कर देंगे आपकी डिजीज कम होगी ठीक है और आपके वेट को मैनेज करेगा बट इट कैन अच्छा मैंने एक, एक तो मैंने मैंने आपको आपको एक एक कभी तो वीडियो ली थी पे बताया था कि अगर आप नोट ओनली लिख रहे हैं और जरूरी नहीं आप बट ऑल्सो चिपका के ही लिखें बट के बीच में आप एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आप डाल सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब डाल सकते हैं तो बट के बाद देखो आप बट के बाद देखो एक सब्जेक्ट डाला और एक वर्ब डाल दी अब ये सब्जेक्ट कौन सा इट इट उसी के लिए आया आया। के लिए आ, it. It can also help. अच्छा, ओल्सो ठीक है अब आ जाओ उसको समझते हैं तो आपने देखा यार बट इट कैन अब ये कैन एक मोडाल है अब समझो बात को तभी आपके सारे ऑप्शन सही होंगे प्री हो मेन्स लेवल हो सारे सही होंगे कैन के बाद आपको पता है कैन एक मोडाल

अगर आप यहाँ पे प्रोटेक्ट लगा रहे हो तो प्रोटेक्ट फ्रोम आपको लगाना पड़ेगा और prevent के साथ भी आता है, लेकिन बात को समझिएगा। अगर आप के के बाद from लगाते prevent के बाद लगाते हो, आपने लगाया, ठीक है किससे प्रिवेंट फ्रोम हो आप मतलब आपको नाउन लिखना पड़ेगा किससे कर रहे हो आप? अगर मान लो मैं यहाँ पे प्रिवेंट लगाऊ और अगर मैं फ्रोम भी लगा दू

ठीक है तो इसके अंदर सबसे जो कंफ्यूजिंग चीज थी वो ये थी कि हेल्प के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना था अगर आप यहां पे हेल्प लगा दोगे तो हेल्प फॉर्म तो बैठेगा ही नहीं हेल्प फॉर्म नहीं फॉर्म का मतलब ये कोई फॉर्म लिया हुआ है किसी चीज की फॉर्म है तो फॉर्म का तो कोई सेंस नहीं बैठा हो सकता है आपको जो कंफ्यूजन हो प्रोटेक्ट और प्रिवेंट में अगर आप प्रोटेक्ट लगाओगे आपने लिखा इट कैन ऑल्सो हेल्प प्रोटेक्ट तो प्रोटेक्ट किससे भाई लिखना पड़ेगा ये ट्रीट के बाद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो अब अगर हेल्थ के बाद प्रोटेक्ट लगाओगे तो किससे करेगा लिखना पड़ेगा आप लिख नहीं सकते इसलिए हम प्रिवेंट लगाएंगे मतलब प्रिवेंट ये हमें बचाएगा बचाएगा ठीक है किस चीज से से बचा सकता है आगे बात ही हो रखी है ना डिजीजेस की तो ये हमें प्रिवेंट करेगा ठीक है ऑप्शन नंबर चलिए आगे तो बढ़ जाते हैं सकता है थोड़ा कंफ्यूजन रहा हो लेकिन प्रिवेंट यूज होगा प्रोटेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा किससे आप प्रोटेक्ट करवाना चाह रहे हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसका आंसर दीजिएगा तो मैंने आपको कहा था ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन ऑफ द डे होगा तो बी में आपने देखा कितना तगड़ा हमें वहां पे स्ट्रगल करना पड़ा अब आ जाओ ऑप्शन नंबर सी में सी का आंसर क्या होगा जल्दी से चलिए इस क्वेश्चन से भी मुझे लग रहा है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है आ जाइए इसको समझते हैं देखो

तो आप उसके अंदर जो 100% परसेंट हो सकता है उसको कट करो ऑप्शन एलिमिनेट करो टू डैश हेल्दी हैबिट तो हमें हेल्दी हैबिट को डैश करना है आपको पता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी यहाँ पर है ना कोई चीज करने की बात हो रही है है ना ठीक है तो अगर आप देखें टू के बाद में क्या क्या नहीं लगा सकता पहले इस पे जाता हूं तो देखो एम्पेसाइज नहीं आएगा एम्पेसाइज का मतलब जोर देना हो जाएगा जोर देना तो नहीं आएगा टू एम्पेसाइज हेल्दी हैबिट्स हेल्दी हैबिट्स को हमें जोर देना चाहिए नहीं ठीक है एम्पेसाइज नहीं आएगा और अगर आप एम्पेसाइज लगाओगे भी तो ओन आ जाएगा ना ओन लगाना पड़ेगा इसलिए नहीं होगा एबिलिटी तो नाउन है तो ये तो आएगा ही नहीं कभी भी एबिलिटी सेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है सेंट और सेंट ये तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा क्योंकि तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो कभी नहीं आ सकती के बाद अच्छा फिर आ रहा है तो क्या इंटरवेन की बात हो रही है पे हम कर रहे हैं मतलब लेकिन आपको ये डेफिनेटली मेरे सारे ऑप्शन कट रहे हैं और हंड्रेड परसेंट रोगे वो तो इसका मतलब मेरा आंसर ये आ जाएगा बिना इसका मीनिंग जाने अब मैं बता देता हूं क्या हो सकता है तो देखो

चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा अगर आपकी जगह मैं होता उधर एग्जामिनेशन में तो मैं क्या करता टू के बाद मैं देखता टू डैश हेल्थी मतलब कुछ एक्शन करवाने की बात हो रही है टू के बाद वर्ब चाहिए भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए सबसे पहले एबिलिटी काटता एक्वायर अगर होता तो एक्वायर में लगा देता टू एक्वायर हेल्थी है तो एबिलिटी में काटता

कल संडे है मे बी कल संडे को क्लास नहीं होगी लेकिन जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब रखिएगा और सब्सक्रिप्शन कराते रहिएगा योगेश अगर आपको पार्टो स्पीच नहीं पहचान में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है देखो मैंने एक वीडियो बना रखी है आप जाना एडिटोरियल वाले सेक्शन में या रीडिंग वाले सेक्शन में जाना वहां पर आपको मिलेगा हाउ टू फाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच न्यूज पेपर से उसकी अभी एक ही वीडियो है अभी आप रुकिए मैं मंडे से रेगुलर ले रहा हूँ वहाँ पे पेज बैच में वीडियोस तो उसके अंदर मैं पर्टिकुलर हाउ टू फाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ स्पीच की कंप्लीट कुछ वीडियोस रेगुलर लूंगा मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही वीडियो लेता रहूंगा लेता रहूंगा तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्लियर करवा दूंगा ठीक है चलिए आ जाओ ये वाला क्वेश्चन यार बहुत तगड़ा क्वेश्चन है मैं इस क्वेश्चन को ये बोलूंगा कि यार बहुत तगड़ा क्वेश्चन है अब मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को आपको आंसर कैसे करना था ठीक है कैसे करना था मैं बताऊंगा ठीक है उससे पहले आ जाओ उससे पहले आ जाओ मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं देखो अभी तक मैंने नॉन स्टॉप आपको करीब मैंने डेढ़ घंटे तक आपको हर एक चीज इन डिटेल बताइए अब मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और वो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ठीक है देखिएगा समझिएगा आ जाइए सबसे पहले तो अच्छा ये अभी बात होगी इसकी आ जाओ इधर आ जाओ सबसे पहले ये समझो देखिए आपको मैं एक चीज बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए समझ लीजिए आपको पता है मेरा मंजिल बैच चल रहा है मंजिल बैच है एक ही बैच है ऐसा नहीं है कि 2024 के लिए अलग बैच आएगा 2025 के लिए अलग आएगा एक ही बैच है इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा क्या क्या मिलेगा पहली बात तो आप जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम देंगे जितने भी सब कवर है मतलब सबका कंप्लीट आप इसमें अगर आप सीख रहे हैं तो आप कोई सा भी एग्जाम दें आप सभी को आराम से कॉन्फिडेंटली क्लियर कर सकते हैं इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस बैच के अंदर आपको ग्रामर का पूरा पोर्शन कवर मिलेगा मतलब ग्रामर की सारी चीजें इसमें कवर होंगी इसमें ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर मैंने लाइव मोक सॉल्व भी कराए हैं बहुत सारे प्री और मेन्स दोनों के रीडिंग कॉम्प्रीएंशन का कंप्लीट रीडिंग पोर्शन भी मैं कवर कर रहा हूँ अभी एटीन विडियोज हैं और वीडियो इसमें एड ऑन होंगी मंडे से एड ऑन स्टार्ट हो जाएगी मंडे से एड ऑन होना स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस आपको मिलेगी पीडीएफ स्टडी मटेरियल और एड ऑन होता जाएगा स्टडी क्यूक टेस्ट सीरीज वीडियो सॉल्यूशंस अब ये क्या चीज़ है ये सुन लीजिए आपको पता है मेरा पूरा वीडियो कोर्स कंप्लीट कोर्स पैकेज है जो मंजिल बैच से रिलेटेड है मंजिल बैच के अंदर सारा कम्प्लीट वीडियो कोर्स है इसके अंदर अगर आप ये मंजिल बैच ले, ले लेते हैं

तो आप मंजिल बैच, तो बैच पहले ले लीजिए उसके अंदर आपको फ्री मिलेगी अगर आप चाहते हैं कि आप टेस्ट दें और फिर इसके वीडियो सोल्यूशन देखें क्योंकि मेरा माइंड सेट यही है कि आप पहले टेस्ट दें आप अपना स्कोर चेक करें फिर मेरी वीडियो सोल्यूशन देखें और चेक करें कि कैसे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं ऐसे धीरे धीरे करके जब आप लास्ट की टेस्ट सीरीज देंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कौन सा क्वेश्चन है इस पूरी सीरीज के अंदर मेरा यही मोटिव रहेगा मैं आपको गाइडेंस दे पाऊँ और आपको इन डिटेल सोल्यूशन दे पाऊँ गाइडेंस के साथ साथ इन डिटेल सोल्यूशन और स्ट्रैटेजी दे पाऊँ ठीक है तो इसलिए मैं ये पूरा अपना जो टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है ये लेकर आया हूँ हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड होगी ठीक है तो मंजिल बैच अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर फ्री वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा और मंजिल बैच लेने के बाद अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज बाय करते हैं तो 100 रुपीस का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा कोई सी भी टेस्ट सीरीज जो भी आएगी उसके ऊपर ठीक है चलिए

टेलीग्राम चैनल आपको कैसे ढूंढना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से ढूंढ लीजिए नहीं तो आप इंग्लिश बाय वरुण चित्रा सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा ठीक है चलिए अब आ जाते हैं उस पे बस ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी मैं दे चुका हूं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा मॉक में अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो अटेम्प्ट एक ही मिलेंगे आप रीअेम्प्ट कर सकते हैं ना जितनी मर्जी रीअेम्प्ट करिए का बटन आता है जैसे आप और मूक देते हैं ना जैसे आप ओली बोर्ड का देते हैं आप प्रैक्टिस मूक का देते हैं सेम वैसे प्रोसीजर है चलो ऑप्शन पे आ जाओ आ अब डी ऑप्शन को मैं करवा रहा हूं तो हमने यहां पर देखा टू स्टिल

अगर वो एक्टिव रहेंगे तो आपने देखा होगा अगर आप एक्टिव हैं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आप दूसरों पे डिपेंड हो जाते हो अगर आप एक्टिव हो शुरू से अगर आप एक्सरसाइज करें तो आप लास्ट के टाइम पे भी खुद पे डिपेंड रहोगे आप खुद से चल पाओगे फिर पाओगे काम कर पाओगे खुद का ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है कंपेयर्ड विथ प्रीवियस जनरेशन अगर हम प्रीवियस जनरेशन के कंपेयर करें तो डैश लाइफ तो कैसी लाइफ हमारी आज हो गई है देखो हम नहीं बता सकते कैसी लाइफ की बात हो रही है जब तक हम आगे का ना पढ़े तो आपको समझना पड़ेगा रीडिंग को भी अच्छे से समझ में आना चाहिए कैसे रीडिंग करना है कितना रीडिंग करना है तो आपने देखा हम कंपेयर कर रहे हैं प्रीवियस जनरेशन को ठीक है कंपेयर कर रहे हैं और डैश लाइफस्टाइल को कंपेयर कर रहे हैं जॉब्स को कंपेयर कर रहे हैं लॉन्ग कम्यूट्स को कंपेयर कर रहे हैं हैव पुट अस मोर हम risk पे आ गए हैं तो कैसी लाइफ होगी आपको भी पता है कोई तो नेगेटिव लाइफ रही होगी ना भाई कोई तो नेगेटिव लाइफस्टाइल रही होगी तभी हम रिस्क पे आ गए हैं आज वो चेक करते हैं कौन सी नेगेटिव लाइफस्टाइल है इसका मतलब यहाँ पर लाइफस्टाइल एक नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा तो फैमिली गलत हो जाएगा फैमिलियर अगर होता फिर भी मैं एक बार को सोच लेता लाइफस्टाइल आपके पास नाउन है ना तो हमें इस लाइफस्टाइल को कैसी लाइफस्टाइल होगी इसको आइडेंटिफाई करना है इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो हमें एडजेक्टिव से ही देनी पड़ेगी ठीक है एडजेक्टिव से देनी पड़ेगी और आपको पता है आगे रिक्स की बात हो रही है ऐसी लाइफ स्टाइल हो गई है ऐसी जॉब हो गई है जो हमें रिस्क की तरफ लेके जा रही है इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव टोन आएगा नेगेटिव टोन का एडजेक्टिव यूज होगा ठीक है तो पहले चेक करते हैं एडजेक्टिव क्या क्या ये तो देखो नाउन है इसको पहले काट दो ये भी एडजेक्टिव है ये भी एडजेक्टिव है ये भी एडजेक्टिव है ये भी एडजेक्टिव है एनर्जेटिक तो आएगा नहीं हमें तो भाई नेगेटिव एडजेक्टिव चाहिए अग ना एनर्जेटिक लाइफ स्टाइल होगी तो रिक्स ही कैसे होगा ठीक है तो एनर्जेटिक भी गलत हो गया डायनेमिक भी नहीं होगा डायनेमिक भी एक पॉजिटिव वर्ड है पॉजिटिव वर्ड है। तो मतलब ले देखे हमारी जो बात है या हमारी जो गाड़ी है वो ऑप्शन नंबर नंबर बी पे पे और ऑप्शन डी अटक गई है अब अगर आपको का मीनिंग नहीं पता या अगर आपको अलोफ का मीनिंग नहीं पता फिर ये क्वेश्चन आपके लायक नहीं है आपको स्किप कर देना चाहिए लेकिन मैं ये मानता हूं नाइनटी परसेंट स्टूडेंट को अलोफ का मीनिंग पता होगा एलोफ का मतलब आप कह सकते हैं तनहा आपको अलग कर दिया आपको आप दूसरों से अलग है आप खुद को अलग अलग फील करते हैं आप खुद को डिफरेंट फील करते हैं अलग है एलोफ का मतलब दुखी होना होता है ऐसा होता है लेकिन यहाँ पे लाइफ कैसी होगी यहाँ पे लाइफ होगी सीडेंट्री सीडेंट्री का मतलब ऐसी लाइफ ऐसी मतलब का मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप एक्टिव नहीं है आप बहुत ज्यादा लेजी हैं आप कोई भी चीज एक्टिवनेस में नहीं कर रहे हैं आप सारी चीजें बैठ के कर रहे हैं लेट के कर रहे हैं

ठीक है उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा चले आगे चलिए इसको बनाइए ऑप्शन नंबर ई अब ये जो ऑप्शन नंबर ई है देखते हैं आप लोग कितने स्टूडेंट इसका आंसर सही देते हैं और कितने टाइम में देते हैं ये चेक करते हैं चलिए उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया लग रहा होगा यस yes, आगे देख से तभी नेगेटिव सोचा मैंने कहा ना एक पढ़ने का एक तरीका होता है आपको मैं हर एक तरीका धीरे धीरे बिल्ड कर दूंगा ये, सीजन, ये जो एग्जाम का सीजन आने वाला है ये जो एग्जाम का सीजन आने वाला है ये मैं आपको पूरा कॉन्फिडेंस दिला दूंगा आप इंग्लिश को लेके कॉन्फिडेंटली जाएंगे एग्जाम में और अटेम्प्ट करेंगे

तो आप प्री में भी लगा सकते हैं, और मेंस में भी लगा सकते हैं। अब इसमें क्या कहता है? सुनो आपको देखो आप खुद सोचोगे ये जो मैं सिखा रहा हूं। ये तीन बार रिपीट हो गया एक पूरे एक ही मोख में तीन बार कंसेप्ट आ गया आपको पता है हंड्रेड परसेंट इसके बाद मेन वर्ब आती है अगर मेन वर्ब नहीं आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दो भैया तो आपको पता है शुड के बाद या तो मेन वर्ब आएगी या तो हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब कहीं आपको दिख रही है नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये लोग शुड के बाद एक मेन वर्ब लगाने जाएंगे और आपको पता है शुड के बाद ना तो बी है ना हैव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो सबसे पहले मैं ये कट कर दू अब जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ ये मैंने पेड़ बैच में नाउन चैप्टर में सिखा चुका हूँ एक एडवाइस होता है और एक एडवाइस होता है दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है इसमें जिसमें सी लगा हुआ नाउन होता है जिसमें एस लगा हुआ वर्ब होता है अगर आपको ये पता तब आती आती तो तो होता, होता, मैं लगा देता तो हमारे पास सिर्फ हाथ में बी e, ऑप्शन बचा और ई e ऑप्शन बचा ठीक है बहुत बढ़िया ई e ऑप्शन आएगा सभी जो बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग मजा आ रहा है यार

चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब देखिए हो सकता है ये काफी सारे स्टूडेंट ने रीड करके बना दिया वो ये भी सोच रहे होंगे सर हम ये शुड देखें क्यों लेकिन आज आपने रीड करके बना दिया अगर यही मीन्स में आएगा तो वो रीडिंग के ऐसे कंसेप्ट देगा आपको जो रीडिंग से एक दो ऑप्शन सही हो रहे होंगे मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सिखा रहा हूँ अगर कोई क्वेश्चन ईजी भी है तो आप उसको ईजी वे में बन रहा है बना लो लेकिन आप उसके कंसेप्ट जरूर सीख लो कभी अगर रीडिंग कंफ्यूज करे तो आप कंसेप्ट लगा पाओ ठीक है उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं इससे भी पहले मेरे पास दो क्वेश्चन और पड़े ये करते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट जल्दी से आंसर दीजिएगा एक्चुअली डेढ़ दो घंटे से मैं रेगुलर बोल रहा हूं तो थोड़ी मुझे भूख लग गई है एक्चुअली मैं कुछ खाऊंगा शोर हो तो प्लीज माइंड मत करिएगा जल्दी आंसर दीजिए इसका बहुत बढ़िया आज देखिए जिन्होंने मुझसे नाउन चैप्टर पढ़ा है पेड बैच में मैंने आपको बताया है इक्विपमेंट का कभी भी प्लुरल नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि इसको हम अनकाउंटेबल मानते हैं इसको हम अनकाउंटेबल मानते हैं अगर हम इसको अनकाउंटेबल मानते हैं तो अब इसका कंसेप्ट इसमें कैसे काम आएगा अनकाउंटेबल मानते हैं इसका प्लूरल नहीं होता है जो भी चीज अनकाउंटेबल होती है उसके साथ ए और एन आर्टिकल नहीं आता है ठीक है तो पहली बात तो ब्रोकन बी तो एन तो आएगा ही नहीं और ए इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इक्विपमेंट के लिए यूज हो जाएगा है। देखो समझो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी ब्रोकन इक्विपमेंट कौन रिस्पांसिबल है इस टूटे हुए इक्विपमेंट के लिए लिए अगर आप आ ब्रोकन इक्विपमेंट लिख दोगे तो ये आर्टिकल ए के लिए आ रहा है और इक्विपमेंट अनकाउंटेबल होता है तो उसके साथ आप ए और एन नहीं लगा सकते ठीक है तो इसका मतलब क्या है आप ये आला गलत कर दोगे और ये भी गलत हो जाएगा अगर मैं इसको रीड करूं तो इसमें कोई भी आ नहीं है नो no करेक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है तो उसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ई विल बी अवर करेक्ट आंसर सभी ने आंसर दे भी दिया सभी ने रीडिंग से दिया होगा बहुत बढ़िया लेकिन एक इक्विपमेंट वाली बात अगर आपको नहीं पता थी तो मैंने आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है देखिए इसको बनाइए समझिए और मुझे आंसर दीजिए जल्दी आंसर दो इसका चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं देखो इस क्वेश्चन को सीखने से पहले आपको कुछ जानना चाहिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो आपको मेरी पीपीटी पे मिलेगा जो मैंने आपके लिए निकाल के रखा है आ, ये रहा, इधर आ जाइए देखिए समझिएगा ये कुछ ऐसी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो मे भी आपके एग्जाम में आ सकती है

तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप किसी इंजरी से जूझ रहे हैं अगर आप इनकर्ड एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हैं मतलब अगर आप एक्सपेंस बताना चाह रहे हैं अगर आप किसी लॉस से जूझ रहे हैं या किसी पैसों की कमी से अगर आप जूझ रहे हैं तब आप इनकर्ड लगाते हैं दोनों में डिफरेंस क्लियर है क्या अगर आप इंजरी से जूझ रहे हैं तो आप सस्टेन लगाएंगे अगर आप एक्सपेंस से जूझ रहे हैं तो आप इनकर्ड लगाएंगे ठीक है इसी दोनों वर्ब का यूज बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन में किया गया है आजों मैं आपको दिखा देता हूँ देखो क्या बोला जा रहा है इसमें इसमें बोला जा रहा है द इंजरीज गैदर ड्यूरिंग द सेमीफाइनल मैच फोर्स रवि टू स्किप द फाइनल बोला जा रहा है जो इंजरी उसको सेमीफाइनल मैच में लगी थी उसने उसको फोर्स कर दिया कि उसको फाइनल मैच स्किप करना पड़ा इसका मतलब क्या है वो जूझ रहा है इंजरी से अगर हम इंजरी से जूझ रहे होते हैं तो हम सस्टेन यूज करते हैं तो यहाँ पे पास टेंस की बात हो रही है तो हमें सस्टेन्ड लगाना पड़ेगा दो ऑप्शन में सस्टेन्ड है लेकिन हम सीधा इंजरी से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंजरी डेफिनेट है हमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा वो इंजरी जो उसको सेमीफाइनल में लगी थी तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आप लोग जो लगा रहे थे वो गलत हो जाएगा ठीक है यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था इनकर्ड हमेशा फाइनेंशियल

ठीक है तो ध्यान रखिएगा आज के बाद नहीं तो रीड करने में सी बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया लग रहा है लेकिन सी ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा क्योंकि इनकर्ड आप इंजरी के लिए यूज नहीं कर सकते ठीक है चलिए उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत बढ़िया लगा होगा अब मैं सोच ये मैं आप जो क्लास है यहीं तक रखता हूँ क्योंकि अप्रोक्स दो घंटे होने वाले हैं और उसके बाद फिर पूरा आरसी हमारे पास बचा हुआ है और मैजदी कोलम बचे हुए हैं तो वो आर सी और मैजदी कोलम कल अगर कल संडे कल सॉरी कल संडे नहीं कल मंडे अगर कल मैं नहीं ले पाया होली के कारण तो मैं परसों ले लूँगा लेकिन अब क्लासेस रेगुलर रहेंगी प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जो मैंने आपको अपने मंजिल बैच के बारे में बताया है उसके ऊपर भी आप ज़रूर सोचेंगे विचार करेंगे और सिर्फ मंजिल बैच का जो प्राइस है वो एट ही है ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है जो आपको ज्यादा सोचना पड़े मैं बता देता हूं आपको देखिए इसका जो प्राइस है वो ट्रिपल लाइन है प्राइस प्राइस का ट्रिपल है अगर आप कूपन कोड डिस्काउंट डी आई एस वन डबल लाइन यूज करेंगे तो इंस्टेंट आपको टू हंड्रेड का डिस्काउंट मिल जाएगा मतलब आपको ये जो बैच है वो एट हंड्रेड का ही पड़ेगा तो एट हंड्रेड में आपको पूरा कंप्लीट ग्रामर पोर्शन मिल रहा है रीडिंग पोर्शन मिल रहा है उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन मिल रहे हैं उसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज भी लोगे तो हंड्रेड का वो डिस्काउंट मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई भी आपको इससे बेटर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इससे बेटर कंटेंट मुझे नहीं लगता इस रेट में आपको कोई देगा ठीक है चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए थैंक यू प्लीज वीडियो को शेयर करिए और आगे जरूर बताइएगा क्या क्या चीजें मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ के? कोई क्वेरी हो डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए थैंक यू